हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज वर्ल्ड किडनी डे है। अब आप सोच रहे होंगे कि किडनी डे पे डेंटल का क्या कनेक्शन है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। अगर किसी को एक हद से ज़्यादा दांत में इन्फेक्शन हो जाए या गम डिजीज़ हो जाए तो वो किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। जो नॉर्मल इन्फेक्शन अगर नॉर्मल पर्सन में होता है तो वो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर किडनी पेशेंट्स में एक हद से ज़्यादा गम डिजीज़ या गम इन्फेक्शन होता है तो उनको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ दिस। अगर आप देखोगे तो किडनी डिजीज़ जो होता है उसमें पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है, बिकॉज उनको ऐसी दवाई दी जाती है जिससे इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। ज़्यादातर लोग जिसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया होता है उनमें ये चीज़ ज़्यादातर देखने को मिलती है। सो बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इम्यूनिटी उनको गम डिजीज़ होने के चांसेस बहुत हद तक ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिसको बहुत ज़्यादा गम प्रॉब्लम होती है, जिसको पायरिया की असर होती है, वो बहुत क्रोनिक इन्फेक्शन माना जाता है। जिसको क्रोनिक इन्फेक्शन होता है उसमें अगर एक हद से ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इन केस ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स। उनको गम डिजीज़ के इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनकी बॉडी में और ज़्यादा दूसरे इन्फेक्शंस इन्वाइट हो सकते हैं। गम डिजीज़ है कि नहीं वो किडनी पेशेंट्स को कैसे पता चलेगा, तो ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको ब्लीडिंग गम्स है, अगर आपको बैड ब्रीथ है, आपको ब्रशिंग के टाइम ब्लीडिंग आ रहा है, या फिर आपके दांत में बहुत ज़्यादा खाना फंस रहा है, तो ये सब इंडिकेशंस है कि आपको गम डिजीज़ है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दांतों के बीच में गैप बढ़ रहा है या फिर आपके दांत लूज़ हो रहे हैं, तो ये सब इंडिकेशंस है कि आपको गम डिजीज़ है। तो आपको अपने डेंटिस्ट को टाइम पे दिखाना चाहिए। अगर आपको एक हद से ज़्यादा दांत में सड़न है और अगर आप टाइम पे नहीं दिखाते हो तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इन्फेक्शन के कारण आपको पेन फील होगा। पेन फील करने के बाद रूट कैनाल, कैप वगैरह नॉर्मल पेशेंट्स में बहुत सिंपल है। दांत निकालना इज़ वेरी सिंपल, दांत रिप्लेस करना इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, बट किडनी पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो वी डोंट वांट द कॉम्प्लिकेशंस टू हैपन। सो मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि जिसको भी किडनी डिजीज़ है या फिर किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आपको अपना ओरल हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि मुंह से ही सारा हम लोग इनटेक लेते हैं, अपने मुंह से ही अपने जर्म्स पूरे बॉडी में ट्रैवल होते हैं, तो किडनी पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। सो प्लीज़ हैव अ चेक ऑन योर ओरल हेल्थ, बिकॉज ओरल हेल्थ इज इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको किडनी डिजीज़ है तो गम प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। तो आपको एक सिंपल जो रूटीन फॉलो करना होता है वो फॉलो करना है। आपको 2 टाइम ब्रशिंग करनी है, फ्लॉसिंग एटलीस्ट वंस अ डे करनी है। आपको दो दांतों के बीच में जो भी खाना फंस जाता है तो उसको आप क्लीन करते रहोगे तो आपको गम डिजीजेस नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि पहले मुझे ये साइड पे या फिर कोई भी साइड पे खाना नहीं फंसता था, अब खाना फंसना स्टार्ट हो गया है, तो वो एरिया में फ्लॉसिंग या इंटरडेंटल ब्रशिंग आपको इसी डे 1 से करना चाहिए। आपसे नहीं हो रहा है या फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट को जाके बताइए कि डॉक्टर इसमें खाना फंस रहा है, तो डॉक्टर आपको उसका सही ट्रीटमेंट टाइम पे कर देंगे, तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आपको रेगुलरली माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए और रेगुलर डेंटिस्ट की विजिट एटलीस्ट twice a year लेनी चाहिए। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँगी कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ ओरल हेल्थ फॉर किडनी पेशेंट्स। अराउंड 1 ईयर पहले मेरे पास एक 75 ईयर्स की लेडी आई थी जिनको किडनी डिजीज़ था, उनको किडनी फेलर था और उनकी कंटिन्यूस रूटीन में डायलिसिस चलती है। वो पेशेंट के काफ़ी हद तक दांत नहीं थे, उनके 50% होते दांत या तो निकलवा दिए थे या तो निकल गए थे, और उनके जो बाकी बचे जो दांत थे वो टूटे फूटे थे, उनकी चुइंग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ थी। अभी वो पेशेंट डायलिसिस पे होने के कारण डॉक्टर ने ये एडवाइस किया था कि आपको 1 लीटर से ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं करना है, पर उनके दांत नहीं थे तो उनको सेमी लिक्विड डाइट देने के कारण उनका 1 लीटर से कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता था, और उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी जो है वो हफ्ते में 2 बार की जगह 3 बार करनी पड़ी। तो उससे पेशेंट काफ़ी परेशान था, उनके रिलेटिव्स भी काफ़ी परेशान थे, और उनको खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उनकी हालत काफ़ी डे बाई डे वीक होती जाती थी। उनकी ये वीक हालत देख के उनको लगा कि नाउ डेफिनेटली पेशेंट नीड्स अ प्रॉपर टूथ टू च्यू। तो उनके रिलेटिव्स मेरे पास उनको ले आए। जब वो लेके आए थे वो 2 जन पकड़ के उनको लाए थे, बिकॉज शी वॉज़ वेरी वीक। उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स था एंड उनको दांत अच्छे नहीं थे तो उनको वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने उनको पूरा काउंसिल किया और मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री ली। तो मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर ये पेशेंट चबा के खाएगा तो उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और उनकी हालत सुधर जाएगी। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि डायलिसिस के बाद पेशेंट की एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो जाती है और वो पूरा एकदम वीकनेस आ जाती है। तो उनको ये हफ्ते में 3 बार एक्सपीरियंस करना पड़ता था। सो वी डोंट डेफिनेटली वॉन्ट दैट। तो उनके हमने 7 डेज़ में पूरे रात का रिप्लेसमेंट किया एंड आफ्टर फ्यू डेज आई कॉल्ड हर कि उनको कैसा है। तो उनकी हालत में काफ़ी सुधार था एंड शी वॉज ईटिंग प्रॉपरली। फिर आफ्टर 6 मंथ्स मैंने उनको फिर से बुलाया फॉर अ रेगुलर फॉलोअप एंड अ चेकअप। आफ्टर 6 मंथ्स आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज टू सी हर हेल्थ कि जो पहले डे 1 पे उनको 2 जन पकड़ के लाते थे वो खुद मेरी ओपीडी में चलकर आए। उनके मुँह पे एक अलग एनर्जी था, उनके मुँह पे एक अलग तेज था। तो उनकी हालत काफ़ी सुधर गई थी बिकॉज वो अच्छे से चबा के उनका पूरा खाना खा रहे थे। उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई एंड उनका जो ओवरऑल हेल्थ वो काफ़ी सुधर गया। सो वी वर वेरी हैप्पी और उनके घर वाले भी काफ़ी हैप्पी थे कि उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई बिकॉज उनके दांत अच्छे से लग गए और वो अच्छे से खाना खा रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि दांत होना कितना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किडनी पेशेंट्स हो या कोई और भी पेशेंट हो जिसकी हालत अच्छी नहीं हो, जिनको वीकनेस हो। अगर वो चबा के खाएंगे तो उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी बिकॉज वी एडवाइज अ गुड हेल्दी डाइट फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट्स। अगर वो हेल्दी डाइट खाएंगे, चबा के खाएंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को भी देखें जिसको किडनी प्रॉब्लम हो या कोई भी एक्सपोजर प्रॉब्लम हो और उनके दांत नहीं है तो डेफिनेटली उनको एडवाइस करें कि आप दांत लगवाएं बिकॉज ओरल हेल्थ इज इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ।